दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नितेश टेक GKP में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से अपने पेटीएम वॉलेट में जो है पैसा ऐड कर सकते हैं या पैसा डाल सकते हैं। बहुत से दोस्तों को नहीं पता होता कि किस तरीके से अपने पेटीएम वॉलेट में पैसा डालते हैं, तो गाइज मैं उस चीज़ को अब यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने पेटीएम वॉलेट में जो पैसा ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अपने पेटीएम में बैलेंस ऐड करने का दो तरीका है, वो तरीका कौन सा है? अगर आप चाहते हैं पेटीएम में अपना बैलेंस ऐड करना तो अपने सेल्फ से कर सकते हो, ओ एटीएम कार्ड के थ्रू, या फिर अपने दोस्त के आपके दोस्त के अकाउंट से आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे एक दो ही तरीका है। तो आप अगर आपके पास एटीएम कार्ड है किसी भी बैंक का, तो अपने एटीएम कार्ड से आप खुद से होंगे सेल्फ से क्या नाम है अपने पेटीएम वॉलेट में जो है एटीएम कार्ड के ज़रिए पैसा ऐड कर सकते हैं आप जितना चाहें। तो सब उसके लिए आपको सीधे सीधे जाना होगा आपको ऐड मनी में, ऐड मनी से भी कर सकते हैं। फिर पासबुक दिखाई देता है यहाँ पे, आपको पासबुक क्लिक करेंगे। पासबुक क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पेटीएम वॉलेट जो लिखा हुआ है इसमें 197 रुपये ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देखिए ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट भी यहाँ पे है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं सिंपली गाइस। उसके बाद पीवीआर करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड मनी डायरेक्टली एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ऐड मनी कर सकते हैं। तो उसके बाद ऐड मनी देखिए पेटीएम वॉलेट पर वही चीज़ यहाँ से भी आ गया। यहाँ पर जितना भी आपको रुपये ऐड करना है यहाँ पर सिंपली वहाँ पर लिख देना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 रुपये ऐड करने वाला हूँ यहाँ पर, तो 100 रुपये लिख के सिंपली जो प्रोसेस टू ऐड मनी पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिएगा इस कुछ समय के बाद खोल के आएगा मेरे सामने। तो दोस्तों इस तरह का पेज खोल के मेरे सामने आ चुका है, मैंने ऑलरेडी बहुत से अकाउंट जो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है सेव करके। तो अगर आपके पास भीम UPI ID या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है उसके ज़रिए आप अपने वॉलेट में जो है क्या नाम है पैसा ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड के ज़रिए आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप बहुत से लोगों के पास डेबिट कार्ड ही होता है, तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर कार्ड डिटेल्स यानी जो कार्ड पर नाम है जिसका वो नाम डाल देना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट होता है उसमें देख लीजिएगा, एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद CVV होता है जो पीछे बैक साइड में जो ब्लैक पट्टी होती है, ब्लैक पट्टी भी बगल में तीन अक्षर का जो CVV होगा आपका वही आपका CVV कोड होता है। उसके बाद आपको सिंपली जो है पे क्लिक कर देना है। इलाहाबाद बैंक से जो अपने डेबिट कार्ड से यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको जो आपका OTP आया हुआ है मैं देख लेता हूँ कौन सा कितना OTP है, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है 360-282, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जल्दी से 360-282। तो उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो अपने पेटीएम वॉलेट में जो है अपने पैसा ऐड कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का मनी एडेड सक्सेसफुली 100 रुपीज़, यानी आपके अकाउंट में जो है 100 रुपये ऐड हो चुकी है। इसको देखने के लिए आप सिंपली यहाँ पे नीचे का होम पे क्लिक करना, होम पे क्लिक करते ऐसे फ्रंट पेज पे आ जाएंगे, उसको पासबुक सिंपली जाना है। पासबुक जाने के बाद देखिए यहाँ पे 197 रुपये मेरे थे जो 297 रुपये हो चुके हैं। नीचे भी देख पाएंगे आप एडेड टू वॉलेट इलाहाबाद बैंक, ठीक है 100 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने वॉलेट में जो है किसी भी बैंक ATM कार्ड से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।